नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी? दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बैंडवेगन इफेक्ट की, स्नो इफेक्ट की और वेवलेन इफेक्ट की। यूजीसी नेट के एग्जाम में मैं देखता हूं कि ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है और इस प्रश्न पे आप लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों आज हम आपसे बात करेंगे बैंडवेगन इफेक्ट, स्नो इफेक्ट और वेवलेन इफेक्ट क्या है। एक्चुअली आप देखेंगे कि एक सिंपल सा लाफ डिमांड है कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस बढ़ रहे होंगे तो उसकी डिमांड घट रही होगी, लेकिन कई इसके एक्सेप्शंस मिलते हैं और इसी क्रम में हम लोग तीन प्रभावों की चर्चा करते हैं। एक हम बात करते हैं बैंडवेगन इफेक्ट की, स्नोप इफेक्ट की और बात करते हैं वेवलेन इफेक्ट की। बड़े इंटरलिंक है, कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट कर देते हैं, तो आइए बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से हम आपको स्पष्ट करते हैं कि वैंडवेगन इफेक्ट क्या है, स्नोप इफेक्ट क्या है और क्या है आपका वेवलेन इफेक्ट। तो आइए हम शुरू करते हैं इस छोटे से वीडियो में जो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले आइए हम बात करें बैंडवेगन इफेक्ट की। बैंडवेगन इफेक्ट क्या है, देखिए इस डायग्राम में आईफोन का यहाँ फोटो लगा हुआ है और यहाँ पे ईयरपॉड का फोटो लगा हुआ है। एक्चुअली कई बार हम क्या करते हैं, लोगों के डिमांड को देख के, फैशन को देख के चीजों की डिमांड बढ़ा देते हैं। एक्चुअली हम उससे उतने ज्यादा लिंक नहीं होते हैं, फिर भी हम फैशन में आके लोगों के द्वारा जो चीजें बहुत ज्यादा यूज की जा रही हैं, डिमांड की जा रही हैं, उसकी डिमांड हम बढ़ा देते हैं। लाइक एग्जांपल आप देखते हो जब फ्लिपकार्ट पे सेल आता है तो फ्लिपकार्ट लाखों में आईफोन सेल करता है और इसके पीछे हमारा मनसा है कि दूसरे लोग फैशन में आईफोन खरीद रहे हैं। अभी मैं देखता हूं कि मेरा भतीजा है वो सिर्फ 9th class में है और मुझसे कह रहा है अंकल मुझे एक आईफोन 30 दिला दो, क्योंकि मेरे सारे दोस्तों के पास आईफोन 30 है। तो आईफोन 30 अगर सभी दोस्तों के पास है तो मुझे भी चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक हेयर स्टाइल विराट कोहली रखते हैं तो सारे लोग उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कई बार आप देखेंगे कि कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कंपनियां लेके आती हैं, लाइक एग्जाम्पल आजकल आप देख रहे हो कि ये जो स्मार्ट जो है वॉच है जो बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है, बेसिकली जितने भी ऑफिस कल्चर में आप जाओगे, जितनी भी मेल या फीमेल जितने भी लोग हैं, मैं देख रहा हूं कि मेरे ऑफिस में 80% लोग इसको पहन रहे हैं और उसके पीछे सीधा सा रीजन है कि दूसरों को देख के पहन रहे हैं, उनको लगता है कि ये बहुत अच्छा है, दूसरे इसकी डिमांड कर रहे हैं। तो दोस्तों जब हम दूसरे की डिमांड से प्रभावित होते हैं, फैशन में आके चीजों की डिमांड को बढ़ाते हैं, तो इसी को हम कहते हैं बैंडवेगन इफेक्ट। बैंडवेगन इफेक्ट आप देखोगे कि द बैंडवेगन इफेक्ट इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमेना इन विच पीपल डू समथिंग प्राइमरली बिकॉज अदर पीपल आर डूइंग इट रिगार्डलेस व्हाट इज देयर ओन बिलीफ। आपका क्या मतलब है, डज नॉट मैटर, क्योंकि दूसरे लोग फैशन में आके उस चीजों को कर रहे हैं तो आप उन्हीं चीजों की डिमांड कर रहे हैं जो कि चल रही है फैशन में। जैसे मैंने कहा आईफोन की बात, स्मार्ट वॉच सबके पास आप देखोगे कि डिजिटल स्मार्ट वॉच आ गया, तो ये बहुत हद तक बैंडवेगन इफेक्ट को दिखाता है। अब देखो इसमें मैंने एक चीज ये भी लिखा है कि बैंडवेगन इफेक्ट रिफर्स टू डिजायर ऑफ डिमांड फॉर अ गुड बाय अ पर्सन हु वांट टू बी स्टाइल बिकॉज पोजीशन ऑफ गुड इन फैशन। ये फैशन में आके जब लोग देखते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग्स है तो उस ट्रेंडिंग वाले चीजों को बहुत ज्यादा डिमांड होती है। मैं देखता हूं अनुपमा जो साड़ी पहन लेती है राजरतन में वो 10वें दिन आ जाती है। तो एग्जैक्ट क्या है कि जो लोग कपड़े पहन लेते हैं, हीरो, अभिनेत्री, क्रिकेटर्स, ऐसे कपड़ों को लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं, उनके हेयर स्टाइल्स को लोग शुरू कर देना चाहते हैं, उनके द्वारा की गई कामों को लोग शुरू। तो एक्चुअली ये दिखाता है कि एक डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कि किस तरीके से समाज पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो एक्चुअली जो बैंडवेगन इफेक्ट है वो एक डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है, जो फैशन में आके हम चीजों की डिमांड बढ़ा देते हैं। इसलिए कहा जाता है कंसिक्वेंटली द मार्केट डिमांड कर्व बिकम मोर इलास्टिक, इसलिए जो ऐसे वस्तुओं की मांग है वो ज्यादा लोचदार हो जाती है। आइए अब दूसरा बात कर ले हम लोग स्नो इफेक्ट की। दूसरा आइए हम बात करते हैं स्नो इफेक्ट की। एक्चुअली आप देखोगे कि जो ये स्नो इफेक्ट है ये बैंडवेगन इफेक्ट के जस्ट अपोजिट है। कई बार कुछ लोग ऐसे चीजों की डिमांड करते हैं जो एक्चुअल में फैशन में नहीं होती है, उसकी इकोनॉमिक वैल्यू तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन उसकी एक्चुअल जो वैल्यू है ना वो उसकी एक्चुअल वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती है, उसके प्रैक्टिकल वैल्यू कम होती है। लाइक एग्जांपल मेरे एक रिलेटिव है
और वो पहले के रजवाड़े थे, जब मैं उनके घर गया तो मैंने देखा कि उनके हर जगह घर में जो सिंह होता है हिरण की, वो लगी हुई थी। एक्चुअली ऐसी चीजें हैं कि जो फैशन में नहीं है, लेकिन फिर भी लोग जो है कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ताकि वो जो है लोगों से एक अलग हो सके। एक्चुअली एक तरीके से आप देखोगे कि ये बैंड वैगन इफेक्ट के उल्टा है। लाइक एग्जाम्पल आप देखोगे यहाँ पे कि कुछ ऐसे चीजें हैं जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है। लाइक एग्जाम्पल ये देखो, दुर्लभ पेंटिंग है, तो लोग दुर्लभ पेंटिंग को अपने वहां लगाएंगे। ये फैशन में नहीं है चीजें, लेकिन इसको क्या है, लोग इसको जो है अपने जो है घर में लगाएंगे, ताकि जो है ये दूसरों से अलग हो सके। यहाँ पे देखिए, अगर एक सिंपल सा है कि हम लोग पतली मोहरी वाला जो है जींस पहनते हैं, तो कुछ लोग मोटी मोहरी वाला जींस पहन सकते हैं कि जो दूसरों से अलग। इसका मतलब है इसमें हम दूसरों से अलग करने के लिए ऐसे चीजों को डिमांड कर रहे हैं जो फैशन में नहीं हो। इसको हम कहते हैं स्नो इफेक्ट। दिस सिचुएशन इज डिराइव्ड बाय डिजायर टू ओन अनयूजुअल एक्सपेंसिव और यूनिक गुड। ये ऐसी चीजों की हम डिजायर करते हैं जो अनयूजुअल है, महंगी है और अद्वितीय है। The goods usually high economic value but low practical value. This is the most important fact about the snob effect. कि ऐसे वस्तुएं हैं जिनकी economic value तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इनकी practical value बहुत कम होती है। जैसे कि मैंने कहा कि जो painting है, ये हो सकता है कि आपने करोड़ों में खरीदी हो, लेकिन उसकी actual अगर आप practical value देखोगे तो बहुत कम होगी। इसी तरह देखो, it is said to exist that the consumer tries to distinguish himself herself from the crowd by using such type of good. जो कि फैशन से बाहर हो गई है, ऐसे चीजों को हम खरीद के हम दूसरों से अलग बनना चाहते हैं। आप देखोगे जस्ट अपोजिट है वैंड वैगन इफेक्ट से, ये स्नो इफेक्ट। हम क्या करना चाहते हैं, ऐसे चीजों को खरीद रहे हैं। देखिए, कंज्यूमर इस टाइप डिस्ट्रीब्यूट हिमसेल्फ, अपने को दूसरे से अलग करना चाहता है। बाइंग गुड दैट आर आउट ऑफ फैशन, जो आउट ऑफ फैशन है, आर नॉट बींग बॉट बाय द बायर्स विद द होम आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ आर हरसेल्फ। This is opposite to Venn wagon effect and hence makes the demand curve more inelastic. इनकी जो demand curve है वो more inelastic. तो दोनों चीजें ध्यान से समझिएगा। जो Venn wagon effect था उसका जो demand curve था वो elastic था, इसका जो है आप देखोगे more inelastic है। और ऐसे चीजों को हम खरीद रहे हैं जो market में जो demand कम हो रही है, ऐसे चीजों को हम खरीद रहे हैं ताकि हम दूसरों से अलग हो सके। तो एक तरीके से एक demonstration effect है, एक डिमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट है जो हम फैशन वाली चीजों को अनुकरण करते हैं, और स्नोब इफेक्ट में हम बिल्कुल अलग दिखना चाहते हैं। लाइक एग्जांपल कि सारे लोग अगर जूता पहनने शुरू कर रहे हैं तो एक ने स्लीपर पहनना शुरू कर दिया ताकि वो दूसरों से अलग हो जाए। अगर सारे लोगों ने विराट कोहली की तरह दाढ़ी रखना शुरू किया तो किसी ने बिल्कुल क्लीन शेव हो गया, जिससे कि वो अपने आप को अलग कर सके। तो ये होगा स्नोब इफेक्ट। आगे आइए, ये है आपका वेबलेन इफेक्ट। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वेबलेन इफेक्ट क्या है, इसमें जो लाफ डिमांड है वो फॉलो नहीं होगा। जैसे इसमें गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस, जो चीजें यूज कर रहे हैं, अगर उसकी बढ़ेगी तो उसकी डिमांड ज्यादा होगी, और कम होगी तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। वेबलेन इफेक्ट का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको कुछ कंज्यूमर या कुछ ऐसे स्पेसिफिक पर्सनालिटी जो बहुत ज्यादा एक सोशल इंपैक्ट रखते हैं, अपने 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 जो है दिखाने के लिए प्रभाव को इसको यूज करते हैं। एक्चुअली आप समझ रहे हैं, ये अपने जो एफ्लुएंट जो है लोग हैं, जो कि कुछ समाज के ऊपर असर डालते हैं, ऐसे लोग कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट को यूज करते हैं, एक ऐसे चीजों को जो स्कार्स हो चीजें उसको यूज करते हैं, जिससे कि वो बिल्कुल अलग हो जाए। लाइक एग्जांपल कि आपने एक ऐसी कार यूज कर रहे हो कि जिसे नॉर्मली कोई यूज नहीं कर रहा है, जिससे कि आप एक इसे अपने स्टेटस सिंबल के रूप में देखते हो। लाइक एग्जांपल मैंने पढ़ा कि नीता अंबानी 300 करोड़ रुपए का एक मोबाइल यूज करती है, तो 300 करोड़ का एक मोबाइल फोन यूज करना आपको एक स्टेटस सिंबल है, ये दूसरों से आपको अलग करता है। इसका मतलब आप समझिए कि ये जो है स्नोब इफेक्ट, और इसमें काफी कुछ आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा मिलता जुलता, बट इसमें ध्यान से समझिएगा स्नोब इफेक्ट में क्या हो रहा है। स्नोब इफेक्ट में हम दूसरों से अलग करने के लिए ऐसी चीजों को खरीद रहे हैं जो कि ट्रेंडिंग नहीं है। यहाँ पे हम एक ऐसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं जो हमारा स्टेटस सिंबल है, जो बहुत ज्यादा महंगा हो सकता है,
और जिसकी कीमत अगर बढ़ रही है तो उसकी डिमांड हम बढ़ाएंगे, लेकिन जो भी कीमत घटेगी तो चूंकि स्टेटस सिंबल नहीं रहेगा इसलिए उसकी हम डिमांड करना कम कर देंगे। तो सिंपल सी बात समझिए, अगर कीमतें बढ़ी तो हम ज्यादा डिमांड करेंगे। मान लीजिए कि ये गाड़ी है और ये 5 अरब की गाड़ी है, तो कोई इसे स्टेटस सिंबल के रूप में यूज कर रहा है। जो ही गाड़ी अगर ये 5 करोड़ से गिर के 1 करोड़ की होगी वो तुरंत इसको खरीदना बंद कर देगा। तो एक तरीके से ये स्टेटस सिंबल होता है, जो एफ्लुएंट पर्सनालिटी है वो अपना प्रभाव दिखाने के लिए ऐसे चीजों को प्रयोग करते हैं और इसे स्टेटस सिंबल के रूप में देखते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि एक्चुअली वेबलेन इफेक्ट क्या है। तो नेट के एग्जाम में या कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये तीनों प्रभावों के बारे में आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज वैन डर वाल इफेक्ट, व्हाट इज स्नोप इफेक्ट एंड व्हाट इज वेबलेन इफेक्ट। तो बहुत ही आसानी से आप समझ गए कि जब जो चीजें मार्केट में फैशन है, ट्रेंडिंग है, अगर उसकी हम डिमांड को बढ़ाते हैं तो दिस इज बैंड वैगन इफेक्ट। क्यों? हम दूसरों के द्वारा की गई चीजों को परचेज कर रहे हैं, धुआंधार हम आईफोन खरीद रहे हैं, ये जो है स्मार्ट वॉच खरीद रहे हैं, डिजिटल वॉच खरीद रहे हैं, ये जो है हमारा है आपका वैगन इफेक्ट। जस्ट इसके अपोजिट स्नोब इफेक्ट में हम ऐसे चीजों को डिमांड कर रहे हैं जिसे लोग ट्रेंडिंग में नहीं रख रहे हैं। लाइक एग्जाम्पल, अगर सारे लोग स्मार्ट वॉच खरीद रहे हैं तो आपने एक ऐसा घड़ी खरीदा जो HMT की घड़ी थी, जो आपको बिल्कुल अलग कर रही है, तो ये हो गया स्नोब इफेक्ट। और जो वेबलेन इफेक्ट है, आप ऐसे चीजों को आप यूज कर रहे हो, ऐसे चीजों को परचेज कर रहे हो जो कि आपके स्टेटस सिंबल के रूप में जो दिखाता है कि आपका जो समाज में उसका प्रभाव क्या है। दिस इज सेड टू एग्जिस्ट अ कंज्यूमर जज क्वालिटी ऑफ अ कमोडिटी बाय इट्स प्राइस। इसके प्राइस से वो इस वस्तु की क्वालिटी को जज कर रहा है। द वेबलेन गुड इज अ टाइप ऑफ लग्जरियस गुड फॉर विच द डिमांड इंक्रीज द प्राइस इंक्रीज। जो ही इसकी प्राइस इंक्रीज करेगी, डिमांड इंक्रीज करेगी, और अगर प्राइस कम होगी तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। वेबलेन गुड नेम आफ्टर अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थॉरस्टीन वेबलेन के नाम पे ये पड़ा हुआ है। तो आप लोगों ने देखा कि ये गुड्स एक्चुअली क्या है। तो आपको मैंने 3 तरह के गुड्स के बारे में विथ एग्जाम्पल समझा दिया। मुझे लगता है कि आपको बहुत हद तक ये सवाल जब भी आएगा तो आप भूलेंगे नहीं कि व्हाट इज वैन डर वाल इफेक्ट, व्हाट इज स्नोब इफेक्ट एंड व्हाट इज वेबलेन इफेक्ट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। अपने आप को बहुत ध्यान रखिए, माता पिता का बहुत रिस्पेक्ट करिए और हमेशा पॉजिटिव बने रहिए, पॉजिटिव लोगों से मिलिए, हमेशा आशा की किरण जगाए रहिए कि हम कुछ अच्छा करेंगे, हम कुछ बड़ा करेंगे। आओ कुछ अच्छा करें, आओ कुछ बड़ा करें, कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड।